नमस्कार, मैं कविता उनियाल, आप देख रहे हैं मीडिया टुडे टीवी। भारत चीन सीमा पर तनाव और बढ़ गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सीडीएफ बिपिन रावत और तीनों सेनाओं की चीफ की बैठक बुलाई। इस बैठक में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल भी मौजूद थे। दोनों देशों की सेनाएं आमने सामने आ गई हैं। लद्दाख के पेंगोंग झील इलाके में चीनी सेना लगातार घुसती जा रही है, जिसको रोकने के लिए भारत ने भी अपनी तैयारी तेज कर ली है। युद्ध की आहट देखते हुए एलएसी में बोफोर्स तोप भेजे जा रहे हैं। वहीं प्रधानमंत्री ने भी सऊदी अरब के किंग शाह सलमान से फोन पर बात की है। ये जानकारी खुद पीएमओ कार्यालय ने ट्वीट कर दी है। बताया जा रहा है कि शाह सलमान ने प्रधानमंत्री मोदी से बात करने के बाद चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग को भी फोन किया है। क्या है पूरा मामला, हम आपको विस्तार से बताएंगे। अगर आपको हमारी न्यूज अच्छी लगे तो लाइक करें और शेयर करें, और हमारे मीडिया टुडे चैनल को सब्सक्राइब करें, और हाँ, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि हमारी न्यूज सबसे पहले आप तक पहुंचे। भारत और चीन के बीच तनाव बहुत बढ़ गया है। दोनों देशों के बीच युद्ध जैसे हालात बन चुके हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इस समय तीनों सेनाओं के प्रमुख के साथ बैठक कर रहे हैं। बैठक में एनएसए अजीत डोभाल और सीडीएस विपिन रावत भी मौजूद हैं। इस बैठक में चीन के बढ़ते तनाव और उसके समाधान को लेकर चर्चा चल रही है। भारत और चीन के बीच सीमा पर हालात इसलिए भी बिगड़ रहे हैं क्योंकि कई दौर के सैनिक कूटनीतिक वार्ता के बावजूद अब तक चीन ने पीछे हटने का कोई संकेत नहीं दिया है। उसने लद्दाख में 50,000 सैनिक तैनात करने के साथ ही करीब 150 फाइटर जेट भारत के खिलाफ तैनात कर रखे हैं। इसके साथ वो तिब्बत और दूसरे इलाकों में लगातार सैन्य अभ्यास करके भारत में दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार इस बैठक में भारतीय सीमा रक्षा की तैयारियों पर चर्चा हुई। साथ ही लद्दाख में पल पल बदल रहे हालातों पर तीनों सेना प्रमुखों से उनका दृष्टिकोण भी जाना गया। बैठक में चीन की तरफ से उठाए जा रहे संभावित सैन्य कदमों पर विचार किया गया और उसका जवाब देने के लिए भारतीय रक्षा रणनीति की योजना तैयार की गई। वहीं तनातनी के बीच मास्को में विदेश मंत्री एस जयशंकर की चीनी विदेश मंत्री से मुलाकात हुई। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार जिस बीच दोनों विदेश मंत्रियों के बीच बात हो रही थी, उसी समय चीन ने फिंगर तीन की तरफ बढ़ने की कोशिश की। फिंगर चार पर भारत की सेना मौजूद है और चीनी आर्मी की इसी हरकत को देखते हुए उसने भी अपनी तादाद को बढ़ाना शुरू कर दिया है। फिंगर चार से फिंगर आठ की दूरी करीब 8 किलोमीटर की दूरी में बताई जा रही है। फिंगर आठ तक भारत का इलाका है जबकि चीन फिंगर दो तक अपनी जमीन बताता है। ऐसे में भारतीय फौज फिंगर चार पर बैठी है और चीन की सेना फिंगर आठ से आते हुए फिंगर चार तक पहुंच गई है। अब दोनों सेना के बीच मात्र 500 मीटर की दूरी रह गई है। चीन की इसी मंशा को देखते हुए भारतीय सैनिकों को लद्दाख के उत्तरी तट पेंगोंग में फिंगर तीन पर बड़ी संख्या में तैनात किया जा रहा है। यहाँ पर पिछले 48 घंटों में पीएलए ने अपनी ताकत में काफी वृद्धि की है क्योंकि चीनी फिंगर चार की तरफ पश्चिम में आगे बढ़ना चाहते हैं। सूत्रों ने कहा कि चीनी सेना ने बातचीत में सहमति के बावजूद भी फिंगर चार पर रिंग लाइन को कभी खाली नहीं किया। इसके अलावा उसने मंगलवार रात रिज के ऊपर करीब 2000 सैनिकों की तैनाती की है। चीनी टुकड़ी को देखते हुए भारत ने भी अपने सैनिकों को फिंगर तीन राई लाइन में भेज दिया है। एक सरकारी सूत्र ने कहा कि स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है और दोनों पक्षों के बीच मात्र 500 मीटर की दूरी है। दोनों तरफ की सेनाएं सशस्त्र और एक दूसरे की शूटिंग रेंज के भीतर है। सूत्रों ने कहा है कि सैनिकों को शांत रखना चुनौती है। एक दूसरे अधिकारी ने कहा कि पीएलए इस क्षेत्र में अतिरिक्त सैनिकों को नहीं लाया, लेकिन मदर रिज में बिखरे हुए सैनिकों को इकट्ठा किया है। अब मिलेंगे अगली खबर के साथ, तब तक लिए आप मुझे दीजिए इजाजत।